लिविंग रूम और डाइनिंग रूम एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए जब नैना ने हाउसकीपर मोनालिसा पर चिल्लाना शुरू किया तो उसकी आवाज बाहर डाइनिंग हॉल में बैठे लोगों को साफ सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? नितेश की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो बड़बड़ाया। हालांकि वो जानता था कि मोनालिसा जिद्दी थी, उसे नहीं पता था कि वो इतनी बेवकूफ भी थी। वो खड़ा होने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे रोक लिया। उस आदमी की गहरी रोष से भरी निगाहों को देखकर वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। नितेश ही था जिसने अभी तक विला की देखभाल की थी। उसने ही मोनालिसा को उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के कारण काम दिया था। जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि मोनालिसा जितना संभाल सकती थी उससे ज्यादा उसने प्रॉब्लम बढ़ा दी थी। अभी तो ध्रुव का यहाँ पहला दिन था और वो पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहा था। भाड़ में जाओ, बाहर मोनालिसा ने नैना से कहा। तुम सच में नहीं जानती? नैना ने साटन को अपने सीने से लगा लिया और मोनालिसा से कहा। मोनालिसा का प्लान था कि वो ध्रुव को पूरी तरह से छोड़ दे, मगर ये आसान नहीं था। वो भी हमेशा उसकी तरफदारी करता था। हम ध्रुव सर से इस बारे में फैसला करने के लिए कह सकते हैं, मोनालिसा ने कहा। ये सुनकर नैना की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। नैना ने चुपके से अपने लिए हार्ट नॉट बनाई थी। उसने ध्रुव को भी नहीं बताया था कि यही कारण था कि वो उस रात बाहर गई थी। अगर उसे पता चल जाएगा तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करे। नैना की ना सुनकर मोनालिसा के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। वो समझ गई कि नैना ध्रुव के उतना करीब नहीं आई थी जितना वो समझ रही थी। देखो, नैना ने मोनालिसा को समझाना चाहा। नैना इस बात पर ध्रुव का सामना भी नहीं कर सकती थी। उनका रिश्ता केवल इतना ही था। आखिरकार वे मुश्किल से एक दूसरे को अभी जान पाए थे और इस बात का खुलना कहीं उसका रिश्ता खराब न कर दे। आप शायद नहीं चाहती कि ध्रुव सर से फैसला करवाया जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ। मोनालिसा ने ये कहते हुए अपना सीना फुला लिया और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। वो इस बात से अनजान थी कि अंदर बैठे ध्रुव और नितेश असल में पूरी बातचीत सुन रहे थे। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई उसके चेहरे से मजाक का भाव गायब हो गया था। इसके बजाय वो उन दोनों का चेहरा देख सहम गई। ध्रुव सर, मैं एक एहसान मांगना चाहती हूँ। ध्रुव ने मोनालिसा को देखा, फिर अगले ही पल वो नैना को घूरने लगा। जहाँ मोनालिसा की पर्सनालिटी गर्व से भरी और दबंग थी, वहीं नैना खामोश खड़ी थी। वो उस मेमने की तरह दिख रही थी जो कटने वाली हो। उसका सिर झुका हुआ था और उसने किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी ध्रुव की निगाह तुरंत नैना के चेहरे से उसके हाथों में पकड़े रंगीन साटन पर पड़ी। साटन? वो कहां से आया? क्या इसी कारण वो कल रात बाहर गई थी? उसके मन में कई सवाल चलने के बावजूद ध्रुव की आंखें अभी भी शांत थीं। क्या हुआ, बोलो? उसका जवाब असल में नैना के लिए था, लेकिन मोनालिसा ने सोचा कि ध्रुव उससे बात कर रहा है। नैना ने मुझ पर अपनी कोई चीज काटने का इल्जाम लगाया है, मोनालिसा ने गर्व से कहा। मैं चाहती हूँ कि आप सच और झूठ का फैसला करें। क्या चीज थी जो काटी गई है? ध्रुव ने पूछा। उसका सवाल सुनकर मोनालिसा मुड़ी और उसने नैना की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नैना ने अपना सर नीचे कर लिया और जरा भी नहीं हिली। मैंने कहा मुझे दे दो ये। ये कहते हुए मोनालिसा उसके हाथों से गांठ छीनने लगी तो उसने देखा कि ये और भी मुश्किल साबित होने लगा था। नैना ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसे देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद मोनालिसा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। दो मुझे, मोनालिसा चिल्लाते हुए उससे साटन छीनने की कोशिश करने लगी। अब तो उसकी ताकत देखकर नैना भी हैरान थी, जबकि ध्रुव ये सब कुछ देख तो रहा था पर कुछ नहीं कह रहा था। उसकी गहरी आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं। पूरे कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया था और ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ध्रुव को देखकर नितेश की सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मोनालिसा इतनी नासमझ कैसे हो सकती थी? उसने न केवल साटन को फाड़ दिया बल्कि उसने ध्रुव सर के सामने नैना मैडम को धमकाने की हिम्मत भी की। क्या मुसीबत है! छोड़ दे इसे,
मोनालिसा ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत से साटन खींच लिया। वो दिल की गांठ जमीन पर गिर गई। सफेद फर्श पर रंगीन साटन काफी खूबसूरत लग रहा था। अगर वो इतनी बेरहमी से न काटा गया होता तो कितना खूबसूरत होता। बुने हुए रंग भी देखने में बहुत सुंदर थे। नैना घबरा कर बैठ गई। हालांकि जैसे ही वो उसे लेने वाली थी, मोनालिसा ने पहले ही उसे छीन लिया। नहीं, इधर लाओ, नैना चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर ध्रुव, ये देख रहे हैं आप, ये बात थी। मोनालिसा ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान बिखेर दी और ध्रुव को वो हार्ट नोट दे दिया। जैसे ही ध्रुव ने उसे देखा, उसने तुरंत कहा, किसने तुमसे कहा था ये करने के लिए? तुमने हिम्मत कैसे की इसे टुकड़े करने की? मैं, मोनालिसा ने जवाब में अपने दांत पीस लिए। मैंने कहा तुमने इसे क्यों छुआ? ध्रुव ने मोनालिसा से गुर्राते हुए सवाल किया। इस चीख से मोनालिसा अपने शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। उसके हाथ में जो हार्ट नॉट थी वो उसकी उंगलियों से फिसल गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की हवा बर्फ के टुकड़े में बदल गई हो और उसकी त्वचा में घुस गई हो। वो सांस लेना भी चाहती तो नहीं ले पाती। नितेश, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो, ध्रुव चिल्लाया। बिना कुछ कहे ध्रुव ने अपनी व्हीलचेयर को नैना की ओर ले लिया। वो अभी भी डाइनिंग हॉल के बीच में खड़ी होकर उसे देख रही थी। नितेश के मन में भी जरा सी हिचकिचाहट नहीं आई। वो मोनालिसा की ओर मुड़ा और उसने असिस्टेंट को इशारा किया, मोनालिसा को दूर भेजने के लिए किसी को बुलाओ। जब मोनालिसा ने नितेश की बातें सुनी तो वो अपनी जगह जम गई। जब उसने जवाब में अपना सर नीचे किया तो उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे दूर क्यों भेज रहा है? उसने बोला, मैंने गलत क्या किया है? तुमने अपने बॉस को नीचा दिखाया है और उनका सामान भी खराब कर दिया, नितेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने इस विला में रहते हुए 3 सालों में कभी कुछ गलत नहीं किया है, मोनालिसा ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखते हुए गर्व से कहा। या तो आप मुझे एक कारण बता सकते हैं या मैं इस जगह को नहीं छोड़ रही हूँ। तुम एक कारण चाहती हो? नितेश ने उसके सामने हो रहे नजारे की ओर इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाई। मोनालिसा ने ध्रुव को ध्यान से नैना के लिए दिल की गांठ लाते हुए देखा। ये पहली बार था जब उसने अपने बॉस को एक औरत के लिए इतना नरम और प्यार करते देखा था। इसके बावजूद नैना ने अभी भी ऊपर नहीं देखा था। तुम कल रात ये साटन खरीदने गई थी? ध्रुव ने नैना से पूछा। नैना की रो रो कर आंखें लाल थी और उसके नीचे के होंठ कांप रहे थे। उसका आंसुओं से भरा चेहरा किसी भी आदमी के दिल को दर्द से भर सकता था। तुम किस लिए रो रही हो? तुम इसे वापस बना सकती हो? ध्रुव ने आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, नैना हकलाई। फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ध्रुव ने जोर देकर उसे गले से लगा लिया। नैना ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया क्योंकि उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी थी। मैं इसे बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ध्रुव ने कहा। क्या सच? नैना की चौड़ी आंखें उसे घूर रही थी। जब ध्रुव ने सिर हिलाया तो उसने रोना बंद कर दिया और धीरे से सर हिलाया। मैं कुछ साटन खरीद सकती हूँ ताकि मैं इसे फिर से बना सकूं। कोई जरूरत नहीं है, ये कहकर वो पलटा और नितेश से बोला, नितेश जाओ और हमारे लिए कुछ साटन खरीदो। जिस तरह से दोनों आपस में बातचीत करते थे उससे सभी को ऐसा लगता था जैसे वे कोई नाटक देख रहे हों। यहाँ तक कि नितेश के असिस्टेंट की भी आंखें चौंधी आ गईं। उसने ध्रुव सर को हमेशा शांत देखा था, लेकिन ये तो एक देखने लायक नजारा था। नितेश जो इस पूरे समय उन्हें देख रहा था, अचानक ध्रुव का ऑर्डर सुनकर सीधा खड़ा हो गया। वो एक पल के लिए तो कुछ कह ही नहीं पाया। उसकी नजर मोनालिसा पर पड़ी जो उन्हें हैरान होकर घूर रही थी। उसे अपनी गलती का अभी भी एहसास नहीं था। तुम पहले भी एक बार नैना मैडम को परेशान कर चुकी हो, लेकिन उसने तुम्हें माफ करने का फैसला किया था और अब तुम लालची हो गई हो, नितेश ने उसे घूरते हुए कहा। शुक्र मनाओ उन्होंने तुम्हें सिर्फ निकालने के लिए कहा। मोनालिसा ने इस कपल को देखा और उसके गाल शर्म से भर गए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि नितेश ने कहा था कि मोनालिसा अपने बॉस को गलत नजर से देखती है।
मैंने क्या किया? वो अपने आप से फुसफुसाई। मोनालिसा ने अपना सर पकड़कर कहा, मैंने क्या किया, कोई मुझे बताएगा? नितेश ने मोनालिसा पर एक नजर डाली और उसे घसीटते हुए लोगों की मदद से विला से बाहर ले गया। मोनालिसा के विला से निकलते ही उनके चारों ओर की हवा लगभग पूरी तरह से हल्की हो गई थी और एक छोटी सी मुस्कान ने नैना के चेहरे पर शोभा बढ़ाई। ध्रुव ने उसके बालों के किनारों को चूमा और नैना ने जवाब में अपना सर झुका लिया। ध्रुव ने कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये कहते हुए नैना खुशी से ध्रुव की व्हीलचेयर को डाइनिंग हॉल में ले आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने पाया कि सभी लोग गायब हो गए थे। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अरे, नितेश कहाँ है? मैंने अभी उन्हें यहाँ देखा। उसने ये नहीं सुना था कि ध्रुव ने नितेश को उनकी जरूरत का साटन खरीदने का ऑर्डर दिया था और वो जा चुका है। वो उसे कुछ काम था, ध्रुव ने लापरवाही से कहा। ओह, ये कहते हुए नैना ने फिश फ्राई उसके बोल में रख दिया। प्लीज हाउसकीपर मोनालिसा के लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, उसे माफ कर दो। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? ध्रुव उबल पड़ा। नैना को तो खुश होना चाहिए कि ध्रुव ने उसके हाथ काटने का ऑर्डर नहीं दिया। उसने उस चीज को खराब कर दिया जो उसकी नहीं थी, अपने मालिक की इंसल्ट भी की। क्या उस हाउसकीपर ने सही किया? लेकिन वो तुम्हारी पुरानी हाउसकीपर है, नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए ही हैं। ये अच्छा होगा अगर हम उसके लिए चीजों को इतना मुश्किल ना बनाएं, नैना ने सफाई दी। लेकिन उसने तुम्हें रुलाया है नैना, ध्रुव ने ठहर कर कहा। उस हार्ट नोट के खराब होने की वजह से मैं रोई, क्योंकि मैं वो चुपचाप करना चाहती थी, मगर अब सबको पता चल गया। ये बताते हुए नैना की आंखों की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई। ध्रुव ने नैना से कहा, ठीक है, मैं नितेश को कह दूंगा कि उसके साथ कुछ ना करे, उसे अभी के लिए बस निकाल दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, नैना खुश हो गई। जब तक उन्होंने अपना डिनर खत्म किया, तब तक नितेश रंगीन साटन खरीद कर ला चुका था। थोड़ी देर में दोनों लिविंग रूम में बैठे सब कुछ भुलाकर साटन से हार्ट नॉट बुन रहे थे। क्या हुआ होगा हाउसकीपर मोनालिसा के साथ? क्या नैना और ध्रुव हार्ट नॉट को बनाकर उसे लव ट्री पर लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए प्यार भरी दास्तान अगर तुम साथ हो, पॉकेट एफएम के साथ। चलो अब ये भी कर लेते हैं, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। क्या मुझे बस ये? ठीक है, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, अच्छा लग रहा है। ठीक है, पर मेरा काम अभी बाकी है। अभी अगर किसी ने उन्हें ये बात करते सुना होता तो वे झट से अपने बच्चों के कान ढककर दूसरे कमरे में ले आता। जब तक वे दरवाजे की दरारों से नहीं देखेंगे, तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि अंदर किस बारे में बात चल रही है। दरअसल वहाँ नैना अपने हाथों में कैंची के साथ ध्रुव के पीछे खड़ी थी। जैसे ही वो उसकी पीठ के पास पहुंची, उसके हाथ रुक गए। एक और शब्द के बिना उसने आखिरकार ध्रुव के बालों का एक किनारा काट लिया। हो गया, उसने कैंची ध्रुव को थमा दी और सामने बैठ गई। वहां ध्रुव ने भी नैना के बालों के साथ ऐसा ही किया। जब बालों की लट साटन में बुन ली गई तो एंड में दो धागे एक साथ बचे। नैना ने सावधानी से उन्हें रंगीन साटन के चारों ओर लपेटा और फिर से बुनाई शुरू कर दी। इस बार उसकी चाल तेज थी। नॉट कंप्लीट करते ही उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। यहाँ तक कि ध्रुव भी काम खत्म करते ही मुस्कुरा दिया। काफी समय के बाद नैना ने अचानक अपना सर उठाया। हम लगभग पूरा कर चुके हैं, अब मैं इसको लास्ट टच दूंगी, नैना ने कहा। अब अगर तुम्हारे पास आज करने के लिए कुछ जरूरी काम बचा है तो तुम जा सकते हो। वैसे इसको बुनने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ध्रुव ने एक और शब्द नहीं कहा। इसके बजाय वो बस उसे घूरता रहा, जैसे कि वो एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वो हमेशा ऐसे ही देखते रहना चाहता था। उसे घूरते हुए वो एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने अचानक एक रेगिस्तान में एक झील की खोज की हो और वो उस झील से पानी पी रहा हो। नैना को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि ध्रुव उसे घूर रहा है। इसके बजाय
उसने अपने बालों के धागों से बुनाई जारी रखी। वो बीच बीच में मोबाइल पर वीडियो देख रही थी और बुनाई करती जा रही थी। इस बार जब वो बुनाई कर रही थी तो वो ध्रुव के पास बिस्तर पर आई और उसकी गोद में सर रखकर बुनाई करने लगी। थोड़ी ही देर में वो उसकी बाहों में सो गई। ध्रुव ने अपना सर नीचे किया और उसको सोए हुए देखा। छोटी सी दिल की गांठ अभी भी उसके हाथ में थी। उसके माथे से बालों की लटों को हटाते हुए ध्रुव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। धीरे से उसने उसके हाथ से गांठ खींची और उसे पूरा बुनकर दूर रख दिया। अगली सुबह जब वो अपने बिस्तर पर जागी तो उसने अंगड़ाई लेते हुए ऊपर देखा। ध्रुव ने पहले से ही अपना सूट पहन रखा था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और अपनी आंखें मली, ये देखने के लिए कि क्या वो सपना देख रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? नैना ने उससे पूछा। अच्छा, तुम्हें याद नहीं क्या, आज नितेश की कंपनी की एनिवर्सरी का डिनर है, उसके लिए ही तो हमें यहाँ इनवाइट किया गया था। जवाब में नैना मुस्कुराने लगी। नाश्ता करने के बाद वे कार में सवार हो गए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और वे एकदम से विला से बाहर निकल गए। वे जितनी दूर जाते चले गए उन्हें उतनी ही कम इमारतें दिखाई देने लगी। जल्द ही वो बाहर एक लाइन में लगे पेड़ देख रहे थे, या तो सफेद पिकेट फेंस। मैंने सोचा कि हम पार्टी में जा रहे हैं, मगर ये रास्ता तो, नैना ने पूछा। लेकिन हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये कहकर ध्रुव मुस्कुराया। उसने लापरवाही से सर हिलाया। मुझे भी यही लगा था, नैना ने जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें किसी खतरनाक जगह ले जाऊंगा? ध्रुव ने नैना को एंटरटेन करने के मूड में उससे कहा। हर समय नैना उसके आसपास बहुत घबराई हुई होती थी, लेकिन अब वो शांत उसके पास चिपक कर बैठी थी। मुझे तुम पर विश्वास है। ये विश्वास नैना को ध्रुव के साथ एक साल का लंबा समय गुजारने पर हुआ था। उन दोनों ने अपने इस रिलेशन को लोगों की नजर से बचाकर कामयाब बनाया था। इस वक्त ध्रुव ने नैना को एक शब्द भी नहीं कहा, इसके बजाय उसने बस उसे अपनी बाहों में पकड़ कर रखा था। पिछली रात ज्यादा देर तक जागे रहने के कारण उसे ठीक तरह से नींद नहीं आई थी, इसलिए जैसे ही वो उसके कंधों पर टिकी तो ध्रुव ने देखा कि वो पलक झपकते ही सो गई। उसे सुकून से सोता देखकर ध्रुव की भी आंखें फड़क कर बंद हो गईं और उसकी सांसें स्टेबल हो गईं। कार एक छोटे से गांव में चली जा रही थी। तभी किसी को बुके चाहिए, उनके पीछे एक फीकी आवाज सुनाई दी। वहां एक बड़े से ब्लॉक के आसपास लोगों की भीड़ जमी हुई थी। दूर दूर से आए लोगों की भीड़ वहां एक दूसरे के साथ फोटो निकालने में जुटी हुई थी। उनमें से कई यंग कपल थे जो एक आइसक्रीम और चॉकलेट शेयर कर रहे थे। वे काफी खुश थे, जिससे उनके आसपास का पूरा माहौल खुशनुमा और प्यार से भर उठा था। भीड़ के अंत में एक लंबा और पुराना पेड़ था। इसकी डालियां काली थीं, लेकिन ध्रुव इसकी डालियों पर लटके हुए रंगीन सैटिन देख सकता था। मिस्टर ध्रुव, हम और करीब नहीं जा सकते, ड्राइवर ने ध्रुव को जगाते हुए कहा। ये सुनकर नैना ने भी अपनी धुंधली आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखा। हालांकि जैसे ही उसने दूर से उस पुराने पेड़ को देखा वो लगभग अपनी सीट से उचक गई। लव ट्री! ध्रुव को भूलकर उसने गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। मिस्टर ध्रुव, ड्राइवर ने नैना की उत्सुकता देखकर अपना सर झुका लिया। व्हील चेयर निकालो, नैना की चमकदार आंखों और मुस्कान को देखकर ध्रुव भी खुद को रोक नहीं सका। उसने ड्राइवर को अपनी चेयर निकालने के लिए बोला। जी सर, उसने तुरंत उनके ऑर्डर का पालन किया। ध्रुव ने व्हील चेयर को कंट्रोल किया और पीछे से नैना के पास आया। ध्रुव को अपने पीछे खड़ा देख उसे याद आया कि वो उसे कार में ही छोड़ आई थी। ये याद करके वो थोड़ी एम्बेरस होकर पीछे की ओर दौड़ी। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम हार्ट ट्री के बारे में जानते हो, उसने अपने हाथों से ताली बजाते हुए हैरानी से कहा। बेशक, मुझे इसके बारे में पता है, ध्रुव ने कहा। मैं लंबे समय तक हावड़ा सिटी में रहा हूँ। नैना ने दिल के पेड़ को देखा। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसका चेहरा उतर गया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैंने अपने बिस्तर पर ही अपनी हार्ट नॉट छोड़ दी।
नैना ये बोल ही रही थी कि तभी उसने ध्रुव के हाथों में कुछ लहराते हुए देखा। जब उसने उसे साटन की गांठ पकड़ते देखा तो वो रुक गई। ओह, तुम्हें याद था, तुम ले आए, तुम कितने अच्छे हो ध्रुव। नैना बहुत खुश हो गई। जवाब में ध्रुव मुस्कुरा दिया। ध्रुव ने उसे हार्ट ट्री के बारे में पढ़ते हुए देखा था। उसने शुरू में ही मन उसे अपने टूर के आखिरी दिन यहाँ ले आने का प्लान भी बना लिया था। हालांकि कल जो कुछ हुआ था उसके बाद ध्रुव ने आज ही नैना को यहाँ लाने का फैसला किया। वैसे भी वे आज दिन भर कुछ भी नहीं करने वाले थे, और जहाँ तक पार्टी की बात है, ऐसा नहीं था कि वे यहाँ पूरा दिन गुजारने वाले थे। चलो हार्ट नॉट को एक साथ चलकर लटकाते हैं, ठीक है, ध्रुव ने कहा। नैना ने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया और वे सुंदर बगीचे में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गए। उनके सामने पेड़ पर अधिक से अधिक लोगों की भीड़ थी। ध्रुव ने नैना की आंखों में झांका। चलें? बेशक, नैना ने कहा। औरों की तरह वे भी बड़े पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही सभी ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत एक रास्ता दे दिया। लड़कियां लगभग बेहोश हो गईं और यहाँ तक कि मर्द भी ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ध्रुव और नैना एक दूसरे के साथ स्वर्ग से आई जोड़ी की तरह लग रहे थे। जैसे ही वे फेंस के पास पहुँचे, नैना झुक गई और उसने ध्रुव से कहा, क्या मैं इसे उछाल दूं? मैं भी साथ में मदद करूंगा, वो मुस्कुराया। तुम बताओ इसे कितना ऊपर उछालना है? नैना दिल की गांठ को पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लटकाना चाहती थी, ताकि जितनी ऊपर वो जाकर अटके उतना ही ऊंचा उनका प्यार हो। ध्रुव को पता था कि जब भी कोई अपने हार्ट नॉट को फेंके तो वो बहुत ऊंचा फेंके, ताकि उसके प्यार की उतनी ही ऊंचाई हो और सफलता हो। वो अपनी जान लगाकर उसे उछालना चाहता था, लेकिन उसका एक हिस्सा डरता था कि वो ऐसा नहीं कर पाया तो नैना का दिल टूट जाएगा। नैना उसकी परेशानी को उसके चेहरे पर देखकर ही समझ गई। आखिरकार नैना ने ध्रुव को निचली डाली में से एक की ओर इशारा किया। वो डाल चलेगी, नैना ने धीरे से कहा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा ऊंची है तो नीचे वाले पर भी टारगेट कर सकते हैं। और नीचे? मुझ पर शक है तुम्हें? तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा? अपने प्यार पर बस इतना भरोसा है, उसने नैना के कान में धीरे से कहा। उसकी बातों से उसके कान चमकीले लाल हो गए। ठीक है, नैना ने तुरंत अपना सर नीचे किया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया, इस उम्मीद में कि दिल का पेड़ उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। प्लीज उसे वहां ऊपर फेंको, नैना ने कहा। नैना दिल में प्रे कर रही थी, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज हमें आशीर्वाद देना। जैसे ही नैना ने अपनी आंखें खोली, ध्रुव ने उस गांठ को हवा में उछाल दिया। जैसा उन्होंने चाहा था, ये पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर लटक गया। नैना ने चौंक कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही गांठ पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में अटकी, वो तुरंत एक बच्चे की तरह उछल पड़ी। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम था नैना, ध्रुव ने उससे कहा। नैना इस खुशी में खुद को रोक नहीं पाई और उसने ध्रुव के गाल पर किस कर लिया। यू आर ऑसम ध्रुव। नैना के किस से ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जैसे ही वो होश में आया, उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ध्रुव ने भी उसे एक किस कर लिया। वो दोनों वहाँ पेड़ के चबूतरे पर एक दूसरे को बड़ी देर तक किस करते रहे। वहाँ आसपास खड़े लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही ध्रुव ने अपनी बाहें उसके गले में लपेटी और उसे जोर से खींचा, वो कराह उठी। उसने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया। उनके किस को देखकर वो पेड़ भी झूम उठा। एक तेज हवा और चारों तरफ उड़ते दिल के खूबसूरत रंग इस जोड़ी के सिर पर तैर रहे थे। वहां आसपास के लोग समय समय पर उनकी तरफ देख रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने आप को एक दूसरे की बाहों में लिए रहना जारी रखा, जैसे कि वे मैदान में अकेले लोग हों। लोगों का शोर भी उन्हें एक दूसरे की निगाहों में देखने से नहीं भटका पा रहा था। तभी लोगों ने उन्हें देखते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियों की आवाज सुनते ही नैना ने आखिरकार शर्मिंदगी में अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने भीड़ के चारों ओर नजर डाली। सभी उन्हें देखकर
जोर से ताली बजा रहे थे। शर्म से सिर झुकाकर नैना ने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया। फिर वो भागते हुए अपनी कार के पास पहुंच गई। ध्रुव भी उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे जाते हुए ध्रुव भी शर्म से मुस्कुरा रहा था। जब वे कार के पास पहुंचे तो ड्राइवर झट से कार से बाहर निकला। ध्रुव सर, नितेश सर ने फोन करके पूछा है कि आप कंपनी में किस समय पहुंचेंगे। क्या नैना अपने प्यार में सफल हुई? क्या इस पेड़ पर हार्ट नॉट बांधने से सचमुच उनका प्यार सफल होगा? अब पार्टी में उन दोनों के साथ क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए प्यार की अनोखी दास्तान अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। लव ट्री के पास का शोर भी उन्हें एक दूसरे की निगाहों में देखने से नहीं भटका पा रहा था। तभी लोगों ने उन्हें देखते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियों की आवाज सुनते ही नैना ने आखिरकार शर्मिंदगी में अपने कदम पीछे खींच लिए। शर्म से सिर झुकाकर नैना ने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और भागते हुए अपनी कार के पास पहुंच गई। ध्रुव भी उसके पीछे हो लिया। जब वे कार के पास पहुंचे तो ड्राइवर झट से कार से बाहर निकला। गेट खोलते हुए उसने कहा, ध्रुव सर, नितेश सर ने फोन करके पूछा है कि आप कंपनी में किस समय पहुंचेंगे। लव ट्री से विश मांगने के बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। नैना अभी भी ध्रुव की आंखों में देख रही थी। ध्रुव ने ड्राइवर को कोई जवाब नहीं दिया था। नैना ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हम अब जा सकते हैं? नैना मुस्कुराई और ध्रुव की ओर मुड़ी। ध्रुव के फिटेड कैजुअल कपड़ों को देखते हुए नैना के गालों पर एक शर्मिंदगी भरी लाली आ गई। क्या हम यहाँ से सीधा पार्टी में जाएंगे? नैना ने ध्रुव से फिर पूछा। हाँ, तुम्हें पार्टी में जाने के लिए शायद कपड़े बदल लेने चाहिए, और मुझे भी शायद इसके लिए हमें वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, मगर मैं ठीक हूँ, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है, प्लीज। नैना शो ऑफ के लिए कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी, इसलिए ध्रुव भी उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता था। इसके अलावा यहाँ अभी ठंड थी। अगर वो पार्टी लायक कोई फॉर्मल वियर पहनती तो इससे उसे और भी ठंडक महसूस होती। इसके अलावा उन्हें वैसे भी ड्रेसअप करने की जरूरत थी। ये एक एनुअल सेलिब्रेशन का मामला था और वास्तव में कोई भी उसे नहीं जानता था। इस वजह से ध्रुव को फॉर्मल कपड़ों में रहना पूरी तरह से जरूरी नहीं था। ध्रुव ने फॉर्मल पहनने का प्लान ड्रॉप कर दिया और नैना के साथ और भी ज्यादा कैजुअल दिखने के लिए अपना कोट हटा दिया। ये देखकर नैना के होठों के कोने ऊपर की ओर उठ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुव को कहां जाना है, उसने कभी भी उस पर ऐसा कुछ करने के लिए दबाव नहीं डाला जो वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो नैना उससे प्यार करती थी। यहाँ से निकलकर उन्हें एवरशाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर तक पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगा। ये तो और भी अच्छा हुआ कि उन्हें किसी भी ट्रैफिक पर रेड सिग्नल नहीं मिला, नहीं तो हावड़ा के ट्रैफिक की वजह से उन्हें पहले ही देर हो चुकी होती। जैसे जैसे वे हेडक्वार्टर के करीब और करीब पहुँचे, वे वहाँ के खुशनुमा माहौल से रूबरू होते जा रहे थे। वहाँ लोग नाच रहे थे, मेहमान बातें कर रहे थे और पपराजी बड़े बड़े लोगों की फुटेज के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। एवरशाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एनुअल फंक्शन हावड़ा शहर में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। वो इस शहर का बहुत बड़ा ग्रुप था। बहुत जगह पर पुलिस को तैनात किया गया था ताकि मेहमानों की आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। उसके लिए मेन रोड्स को भी बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उनके लिए रास्ता बनाने के लिए सभी चौराहों को ब्लॉक करने में भी हिचकिचाहट नहीं की। जैसे ही उन लोगों की कार आसपास के एरिया में दाखिल हुई, पुलिस कर्मियों ने उन्हें डायरेक्ट करते हुए मेन रोड पर जाने दिया, जहां उन्हें एवरशाइन ग्रुप के सिक्योरिटी की कड़ी जांच पड़ताल से गुजरना पड़ा। गार्ड्स के ऑर्डर सुनते ही ध्रुव की कार के ड्राइवर ने तुरंत कार धीमी कर दी। वो अब पार्किंग में एंटर कर गए, जहां उन्हें अन्य मेहमानों के साथ ट्रैफिक लॉक में रखा गया था। ध्रुव इस पूरे समय पिछली सीट पर सो रहा था। गाड़ी रुकी तो उसने इधर उधर देखा। क्या चल रहा है? ट्रैफिक जाम हो गया है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, उसने फिर आंखें बंद कर ली। नैना ने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, उसे हर जगह लिंकन लिमोजीन, रोल्स रॉयस,
मासेराटस दिखती। उसने जो भी कारें देखी थी उनमें से सभी की कीमत करोड़ रुपए से ऊपर थी। इनमें ध्रुव की लंबी मर्सिडीज किसी गरीब के ट्रक जैसी लग रही थी। उनके पीछे आती मासेराती के मालिक ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। उसने आंखें घुमाते हुए नैना ने मर्सिडीज पर उंगली उठाई। यहाँ ये मर्सिडीज क्यों है? क्या सारे अमीर यहाँ आए हुए हैं? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने महसूस किया, अगर आप इतने बड़े फंक्शन में जाने के लिए लग्जरी कार नहीं चलाते हैं तो आप साफ तौर पर शहर के अमीरों में नहीं गिने जाते हैं। पीछे की कार में बैठे आदमी के बालों को गर्व से पीछे की ओर सेट किया गया था और उनका सूट उन पर काफी अच्छा लग रहा था। ये एक कस्टम मेड सूट लग रहा था। नैना ने दूर देखने से पहले दो लोगों पर एक नजर डाली और फिर बोर होकर वो अपनी सीट के पीछे झुक गई। नैना ने धीरे से फिर उस आदमी को देखा, फिर थोड़ा यहाँ वहाँ देखा और बोली, क्या गलत है उसमें? वो बार बार अपने बालों को ठीक क्यों कर रहा है? उसने उसकी ओर उंगली करते हुए ध्रुव को पूछा। हालांकि जैसे ही वो खिड़की से बाहर फिर से देखने वाली थी, ध्रुव ने उसे वापस खींच लिया। अरे, मैं बस ट्रैफिक देखना चाहती थी, नैना ने कहा। ध्रुव ड्राइवर के सामने नैना की हरकतों की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने ड्राइवर से कहा, कहीं देर ना हो जाए, हम अब अंदर जा सकते हैं। मानो ध्रुव के शब्दों के पीछे दोहरा अर्थ मिल रहा हो, ड्राइवर ने जवाब में सर हिलाया। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और एवरशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी के साइड गेट की ओर चला गया। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही मर्सिडीज बेंज को अंदर आते देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया और यहाँ तक कि ड्राइवर के सामने अपना सर भी झुका लिया। जैसे ही उन्होंने खाली लाइसेंस प्लेट देखी, उन्हें पता चल गया कि कार सीधे वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस से आई है। कौन उसे रोकने की हिम्मत करेगा? जैसे ही लग्जरी कार मालिकों ने मर्सिडीज बेंज का स्वागत होते देखा, वे ये देखकर मोहचक्के रह गए। वे अंदर जा सकते थे लेकिन हम नहीं, दूसरों ने गार्ड से मांग की। सिक्योरिटी गार्ड लग्जरी कार मालिकों को ऐसे घूर रहे थे जैसे उनके दो सिर उगाए हों। कार इस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के परिवार की है, उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट सुना, वे तुरंत शांत हो गए। वे उसकी तुलना कैसे कर सकते थे? उन्होंने शुरुआत में इतनी साधारण कार के मालिक होने के लिए ड्राइवर का मजाक उड़ाया था, लेकिन कौन जानता होगा कि उस गाड़ी का मालिक लो प्रोफाइल रखता था। अब कोई भी उतने गुस्से में नहीं लग रहा था जितना मर्सिडीज बेंज को देखकर कुछ मिनट पहले था। जिस किसी को भी इस तरह के मुबारक मौके पर शामिल होने का मौका मिला, उसकी एक पहचान थी। जैसे ही ध्रुव और नैना एंट्रेंस गेट पर पहुंचे, नितेश का असिस्टेंट उनका वेलकम करने के लिए वहां मौजूद था। मिस्टर ध्रुव, वेलकम, उसने कार का पिछला दरवाजा खोलते ही ध्रुव को ग्रीट किया। प्रेसिडेंट ने मुझे आपका और नैना मैडम का वेट करने के लिए कहा था। ठीक है, वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चले गए। जल्द ही वे एक अच्छी तरह से सजाए गए लाउंज में पहुंचे। लाउंज के दाहिनी ओर संगमरमर की एक गोल मेज थी। इसके ठीक ऊपर ताजे फूलों का एक गुलदस्ता था जिसकी सतह पर सुंदर हीरे की पानी की बूंदे बिखरी हुई थी। बाईं ओर एक छोटा सा वाइन कैबिनेट रखा हुआ था जिसमें तरह तरह की महंगी वाइन और शैंपेन रखे हुए थे। कमरे के सेंटर में फलों, मिठाइयों के साथ साथ कॉकटेल और एक कॉफी टेबल थी। मेजों के चारों ओर लेदर के सोफे थे। ध्रुव सर, सेटअप पहली मंजिल पर है, आप और मैडम लाउंज में आराम कर सकते हैं, उसने सभी सुख सुविधाओं की ओर हाथ हिलाते हुए कहना शुरू किया। और नितेश से कहो कि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इवेंट पर ही ऊपर बुलाए, ध्रुव ने बीच में टोका। इसका दोहरा अर्थ था कि वो केवल इवेंट में शामिल होने के लिए यहाँ आया था, और जहाँ तक मेजबान की बात है, नितेश ही यहाँ लीड करेगा, वो नहीं। हालांकि असिस्टेंट ने हैरानी से सर हिलाया, जी समझ गया। जब वो चला गया तो ध्रुव ने नैना का हाथ हिलाया और कहा, थोड़ी देर यहाँ बैठो। फलों की थाली से स्ट्रॉबेरी लेने के बाद नैना सोफे पर बैठ गई। यहाँ ये ट्राई करो, ध्रुव ने नैना के मुंह में एक चॉकलेट डिप रखते हुए कहा। क्या तुम चेरी ट्राई करोगे, नैना ने पूछा। ध्रुव ने अपना सर हिलाया। नैना ने तुरंत चेरी उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। फिर एक बार उसने बाकी सभी फलों को चखा। वो हर एक फल को चख कर ध्रुव को बता रही थी कि वो खट्टा है या मीठा। उसका बचकाना व्यवहार देखकर वो मुस्कुराया।
क्या तुम यहाँ घूमना चाहोगी? मैं? लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? नैना ने चारों ओर देखा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये नितेश के लिए किसी परेशानी का कारण बन सकता था। ध्रुव ने उसके सर को हिलाकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा नैना, तुम बेफिक्र रहो। आखिरकार ध्रुव एवरशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रेसिडेंट था। अगर उसके यहाँ आने और टहलने से उन्हें परेशानी होने लगी तो फिर उन्होंने जमीन से इस कंपनी को खड़ा करने की जहमत क्यों उठाई? तो चलो वॉक पर चलते हैं, नैना ने कहा। एक चमकती मुस्कान के साथ नैना ने उसके खुले कॉलर का बटन बंद किया और उसकी व्हीलचेयर को लाउंज से बाहर ले आई। ये कहना एक झूठ होगा कि नैना उस जगह को जानने के बारे में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। आखिरकार इतनी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनी और उसकी पार्टी के बारे में कौन नहीं जानना चाहता होगा। दूसरी मंजिल पर जाने से पहले वे पहली मंजिल पर थोड़ी देर घूमते रहे। पहली मंजिल फेस्टिव प्लेस थी। पूरे एरिया में लगे खूबसूरत स्टैचू और खास आर्ट गैलरी की महंगी महंगी पिक्चर्स के साथ सब कुछ काफी सलीके से सजाया गया था। थोड़ी ही देर में बहुत मेहमान आने लगे और जल्द ही उन्होंने खुद को पूरी तरह से लोगों से घिरा हुआ पाया। उन लोगों को जल्द ही बैठने के लिए एक जगह मिल गई। नैना ने देखा कि एक वेटर उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके हाथ में रेड वाइन की एक ट्रे थी जिसे उसने ध्रुव की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही नैना भी गिलास उठाने लगी तभी ध्रुव ने उसे रोक दिया। नहीं नैना, ये पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कंपनी देना चाहती हूँ, नैना ने कहा। तभी ध्रुव ने वेटर को इशारा किया। वेटर ध्रुव के इशारे को समझ गया। उसने ध्रुव से गिलास वापस लेकर ट्रे में रख लिया और अपने कान को उसके मुंह के पास ले आया। मेरे लिए दो गिलास गर्म दूध लाओ, उसने वेटर के कान में फुसफुसाने से पहले उसे ऑर्डर दिया। वेटर थोड़ी ही देर में जल्दी से दो गिलास गर्म दूध इस स्वीट कपल के लिए ले आया। नैना ने अपनी सीट पर आराम करने से पहले एक छोटा सा घूंट लिया। वास्तव में वो कभी भी शराब की शौकीन नहीं थी, लेकिन वो कम से कम ध्रुव का साथ देना चाहती थी ताकि उसे सबके सामने लो फील ना हो। मगर यहाँ ध्रुव उसका साथ देने के लिए दूध पीने लगा। ये देखकर कि वो उसके लिए एडजस्ट करने को तैयार था, नैना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो ध्रुव को सुंदर शैंडलियर की लाइट में घूर रही थी जो ध्रुव के मजबूत बदन को और भी सवार रही थी। तभी वो मुड़ा और उसने नैना को अपने आप को घूरते हुए देख लिया। तुम क्या देख रही हो? उसने उसे छेड़ा। तभी नैना के होठों पर लगे दूध पर उसकी नजर गई तो उसने उसे साफ करने के लिए अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके होठों के कोने पोछे। नैना ये देखकर शर्मा गई। कुछ भी तो नहीं देख रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि किसी की आवाज ने उनकी बातचीत को रोक दिया। ये मिस्टर ध्रुव मित्तल है। वो आदमी ध्रुव के हाथ में दूध का गिलास देखकर चौंक गया। ओह, तो ध्रुव जी अब वाइन की गर्मी नहीं सहन कर सकते और इसलिए दूध पी रहे हैं। क्या होगा नैना के साथ इस पार्टी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम की ये प्यार की अनोखी दास्तान, अगर तुम साथ हो। वेटर जल्दी से दो गिलास गर्म दूध उस स्वीट कपल के लिए ले आया। नैना ने अपनी सीट पर आराम करने से पहले एक छोटा सा घूंट लिया। वास्तव में वो कभी भी शराब की शौकीन नहीं थी, लेकिन वो कम से कम ध्रुव का साथ देना चाहती थी। ये देखकर कि वो उसके लिए एडजस्ट करने को तैयार था, नैना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। सुंदर शैंडलियर और आसपास की चमकती रोशनी उन पर पड़ रही थी जो ध्रुव की मजबूत और मर्दाना विशेषताओं को सवार रही थी। वो शख्स दूध के गिलास को उसके हाथ में देखकर बोला, अब आप दूध जो पीने लगे हैं? आवाज कहां से आई थी इसका अनुमान लगाने के लिए उसे टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ पसीने से पसीज गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जी उनके पीछे खड़े थे और उनके पीछे लगभग एक दर्जन लोग थे। वे सब मिलकर ध्रुव की टांग खींचना चाह रहे थे। इस तरह के मजाक से ध्रुव का खून खौलने लगा। उसने अपनी चेयर को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो मुड़कर उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, मगर वहां बैठी नैना ने उस पर एक नजर डाली। उसने ध्रुव को उनकी तरफ जाने से रोक दिया। अरे क्या हुआ ध्रुव मित्तल साहब,
राजेश जी ने पूछा। उन्होंने नैना को देखते हुए जल्दी से ध्रुव को घेर लिया और बोले, आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं, आपको अब ध्रुव को हमारे साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, मगर अभी ध्रुव ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, नैना ने जवाब में राजेश से कहा। राजेश ने एक बार नैना को देखा। नैना ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो एकदम सही होती अगर वे किसी पिकनिक पर जा रहे होते, मगर यहाँ शाम की पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी सही कपड़ों की चॉइस नहीं थी। और ये क्या, कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था क्या? मगर लगता है आप लोग गलती से यहाँ बुला लिए गए, राजेश फिर से बोला। ध्रुव बस उसे घूरे ही जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आधी खुली आंखों से उसकी ओर देखा। जैसे ही उसने अपनी सीट के चारों ओर हाथ फेरा, गुस्सा उसकी आंखों में चमक उठा। ध्रुव के चेहरे के भाव देखते हुए राजेश ने भौहें चढ़ा ली। अरे ध्रुव मित्तल साहब, तुमने तो अपनी केयर टेकर के साथ चोरी छिपे शादी भी कर ली है ना, किसी को बताया भी नहीं। ये सुनकर बाकी सब लोगों की हंसी छूट गई। राजेश घोष, हमें यहाँ कैसे और किसने बुलाया है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ध्रुव ने गुस्से में कहा। इस बार नैना ने भी दांत पीसते हुए कहा, अगर बात ऐसी है तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। ओह, तो केयर टेकर को भी बुरा लग गया, ये तो बहुत अच्छा है, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। राजेश अपनी जबान चलाने से बाज नहीं आ रहा था। ध्रुव उसकी बातें सुनकर गुस्से से भर चुका था और उसे पकड़ने ही वाला था कि नैना ने उसकी कलाई पकड़ ली। राजेश, अपनी उम्र का कोई तो ख्याल रखो, तुम क्या कह गए, तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं, अभी माफी मांगो मेरी वाइफ से, तुमने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कैसे की। ये बोलते बोलते ध्रुव ने राजेश का कॉलर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी से टकराई और राजेश ने तुरंत अपनी बाह पीछे खींच ली। अपना कॉलर ठीक करते हुए वो अपनी गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, भाड़ में जाओ, तुम हो कौन, तुम एक बदबूदार अपंग हो, अपनी औकात भूल गए। ओह प्लीज, और आप एक अपंग से भी बदतर हैं, ध्रुव ने पलट कर कहा। बस तू रुक, अगर तुझ में इतनी ही अकड़ है तो, राजेश चिल्लाकर बोला। गार्ड्स, इस कूड़े को बाहर निकालो, पीछे से आवाज आई। जब वे सब मुड़े तो उन्होंने देखा कि नितेश का असिस्टेंट विनोद वहीं खड़ा था। राजेश ने शुरू में सोचा था कि नितेश का असिस्टेंट विनोद ध्रुव और नैना के बारे में बात कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर कर लिया। तुम जानते हो, अगर अब तुम दया की भीख मांगना शुरू करते हो तो मैं कुछ दया दिखाने के लिए तैयार भी हो जाऊं, राजेश ने अपनी जीभ को दबाते हुए कहा। उसके अहंकार के बावजूद ध्रुव और नैना ने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान टेबल पर लगे बफे पर मोड़ लिया, जैसे उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो। सिक्योरिटी गार्ड तेजी से आए और उन्होंने राजेश और उसके साथियों को पकड़ लिया। उनकी बाहों को पकड़कर वे उसे बाहर की ओर घसीटने लगे। ये देखकर राजेश की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। वो अपंग ध्रुव और उसके केयर टेकर की ओर इशारा करने की पूरी कोशिश करते हुए उनकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। वो उन दोनों को बाहर भेजने के लिए कह रहा है, बिहेव योरसेल्फ, मैं आज एवरशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी का एनुअल फंक्शन है, विनोद ने जोर से कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। प्लीज अपने आप को देखें, मुझे कोई दोष न दे। उसने जो कहा वो काफी सरल था, गड़बड़ करोगे तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपकी हैसियत क्या है, आपको फिर भी बाहर निकाल दिया जाएगा। राजेश और उसके साथियों ने बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया था। उसके सभी साथी वहाँ से तितर बितर हो गए, जैसे वे सब उसके साथ थे ही नहीं। हालांकि विनोद को सिर्फ नितेश के असिस्टेंट के रूप में माना जाता था, लेकिन उनकी बातों पर किसी को भी शक नहीं था। आखिरकार जब वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय था, तब भी वो वाइस प्रेसिडेंट का भरोसेमंद था। उसका अपमान करना नितेश की इंसल्ट करने के बराबर था। थैंक यू विनोद, नैना ने उन्हें वहाँ से ले जाने के बाद धन्यवाद दिया। विनोद ने एक कदम पीछे लिया और अपना सर झुका लिया। वो नितेश सर ही थे जिन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा था, विनोद ने सफाई दी। फिर नितेश को थैंक्स, नैना ने झट से कहा। उस आदमी को धन्यवाद देने की जहमत मत उठाओ, ध्रुव ने हंसते हुए चिढ़ाया।
उसे तुम बहुत बार थैंक्स बोल ही चुकी हो और आगे भी बोलोगी। ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। तुम्हारी वजह से उस आदमी का सिर बहुत ऊंचा हो चुका है, वो आगे बोला। लेकिन उसने हमारी बहुत मदद की है, ये सही है कि मैं उसे धन्यवाद दूं और बार बार दूं, नैना ने जोर दिया। ध्रुव इस बारे में नैना से कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, वहाँ की सारी गंदगी अब विनोद ने साफ कर दी थी। फिर उसने इत्मीनान से विनोद पर एक नजर डाली। विनोद लगभग तुरंत समझ जाता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। पीछे अभी भी पार्टी का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही समय बाद एनुअल फंक्शन शुरू हो गया। जैसे ही मेजबान ने अपनी ग्रीटिंग स्पीच खत्म की, नितेश कपूर ने स्टेज पर कदम रखा। वो अपने फिट सूट और थोड़े उलझे हुए बालों में काफी हैंडसम लग रहा था। गुड इवनिंग एवरीवन। आज एवरशाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है और मुझे आशा है कि आप सब मुझे इसकी मेजबानी करने में कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं, क्यों वाइस प्रेसिडेंट फिर से इसकी मेजबानी कर रहे हैं? क्या वो हमारे प्रेसिडेंट को स्टेज पर नहीं बुला सकते, एक मौका उन्हें भी मिले? खैर, हम सभी जानते हैं कि वो कितने व्यस्त आदमी हैं। सच में मैंने उनसे मंच संभालने की भी विनती की थी। इस तरह मैं आप सभी के साथ बैठ सकता हूँ, खा सकता हूँ और यहाँ तक कि पी भी सकता हूँ, लेकिन अफसोस मुझे फिर से बोझ उठाना पड़ेगा। उसकी मजाकिया बातों पर सभी की हंसी छूट गई। आखिरकार यहाँ तक कि एवरशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी की नींव रखने वाले इंसान से मिलना आप सबका कितना जरूरी है, मैं ये समझ सकता हूँ। वास्तव में यहाँ आने वाले कई लोग हमेशा एक्साइटेड रहते होंगे कि क्या हमारे प्रेसिडेंट एनुअल फंक्शन में शामिल होंगे। यहाँ नीचे खड़ी नैना उसकी बातों पर चुपचाप हंस पड़ी। वहीं ध्रुव ने अपनी आंखें घुमाने से पहले मंच पर एक नजर डाली। जैसे ही नितेश कपूर ने महसूस किया कि कोई उसको घूर रहा है, उसने तुरंत अपनी बात को बदल दिया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को अपने हाथों से रगड़ते हुए उसने आगे बोलना जारी रखा। बेशक हर किसी को इसे सीक्रेट रखना होगा। अगर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, तो शायद अगले साल मैं मेजबानी नहीं करूँगा या अगले साल के फंक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा अपनी इस गुस्ताखी पर। नितेश अब सबकी आंखों में घूर रहा था। इस बार अधिक गंभीर होकर बोला, मैं आने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एम्प्लॉय, मैनेजर, शेयर होल्डर, असिस्टेंट्स, आपके बिना एवरशाइन ग्रुप वहाँ नहीं होता जहाँ वो आज है। नितेश का भाषण बहुत इमोशनल था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जब नितेश मंच पर स्पीच दे रहा था, नैना के सिर के ऊपर झूमर का वेल्डिंग पॉइंट हुक इंच दर इंच लूज हो रहा था। अचानक उसके हुक खुल गए, उनके ऊपर एक धूल का बादल छा गया। ध्रुव ने भी इसी बीच अचानक अपने सर के ऊपर कुछ टूटने की आवाज सुनी। नजर ऊपर करके उसने झूमर की झूलती चिंगारियों को देखा। थोड़ी ही देर में वेल्डिंग पॉइंट हिलने लगा। वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग अभी भी नितेश के स्पीच को सुनने में मशरूफ थे। जैसे ही झूमर नैना के ऊपर गिरने वाला था, ध्रुव ने नैना की तरफ देखा, जो हिलते हुए टुकड़े के ठीक नीचे बैठी थी। तभी कमरे में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी और रस्सी टूट गई। दोबारा सोचे बिना ध्रुव नैना की ओर झपटा और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। एक ही सेकंड में सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां एक सन्नाटा छा गया। हर कोई इस नजारे को देखकर चुप हो गया था, क्योंकि झूमर के क्रिस्टल उनके चारों तरफ बिखरे पड़े थे। शीशे के टुकड़े छत से गिरते ही वहां सभी चिल्लाने लगे। कुछ लोग परेशानी और घबराहट में फूट फूट कर रोने लगे। हॉल के माहौल को वापस शांत होने में देर नहीं लगी। नैना, जो ध्रुव की बाहों में अचानक छुपाई जा चुकी थी, उसे नहीं पता था कि आखिर यहाँ क्या हुआ। वो केवल महसूस कर सकती थी कि ध्रुव की बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं और वो दोनों जोर से जमीन पर गिर गए थे। इससे पहले कि वो कुछ और रिस्पॉन्ड कर पाती, अंधेरा उस पर हावी हो गया। आखिरी बार वो अपनी आंखों की रोशनी को धुंधलाते हुए देख सकती थी। वो बेहोश हो चुकी थी। एक बड़ी दुर्घटना ने यहाँ अंजाम लिया था। कोई इस बात को नहीं समझ पाया। नितेश अभी भी मंच पर बुत बना खड़ा था। उसे जैसे कुछ
समझ ही नहीं आया कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ। उसने बस ध्रुव को नैना की तरफ कूदते देखा और एक बड़ा सा कांच का झूमर उनके ऊपर गिरते देखा। आखिर क्या हुआ नैना को इस हादसे के बाद? क्या नैना बच गई? ध्रुव को कहीं चोट तो नहीं आई? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम की ये प्यार भरी दास्तान, अगर तुम साथ हो। वो बेहोश हो चुकी थी। एक बड़े एक्सीडेंट ने यहाँ अंजाम लिया था। कोई इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। नितेश अभी भी स्टेज पर बुद्ध बना खड़ा था। उसे जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसने बस ध्रुव को नैना को बचाने के लिए कूदते देखा और एक बड़ा सा कांच का झूमर उनके ऊपर गिरते देखा। उनके चारों ओर स्टील और कांच से बना विशाल फ्रेम टूट कर बिखर गया। नैना को बचाने के लिए ध्रुव ने उसकी छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में भर लिया था। सब लोग नैना की तरफ उसके प्यार की हद अपनी नंगी आंखों से ताड़ ताड़ कर देख रहे थे। तभी फिर से एक फ्रेम का नुकीला टुकड़े का एक कोना उसकी पीठ पर आ गिरा। एक कट ध्रुव की पीठ के बीचों बीच से उसे काट चुका था और चोट से खून बह रहा था। अचानक हुए इस एक्सीडेंट से सभी लोग सहर उठे और चीख पड़े, लेकिन ध्रुव ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय ध्रुव अभी नैना के लिए जो कुछ कर सकता था वो था नैना को अपनी बाहों में घेर लेना और उसे बचाना। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उसने नैना को हमेशा सेफ रखने की कसम को निभाया। नैना उसकी बाहों में गिरते ही बेहोश होने के बावजूद सेफ थी। इस वक्त ध्रुव के लिए बस इतना ही मायने रखता था। ध्रुव की निगाहें नम हो गईं और उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने नैना को पल के बंद किए उसकी गोद में सेफ देखा। उसका ये प्लान काम कर गया था। तभी लोग उनके आसपास आ गए, हालांकि कोई भी उन्हें बचाने या हेल्प करने आगे नहीं आया था। ध्रुव मरने के पहले नैना को हंसते हुए देखना चाहता था। उसने वैसा ही किया भी। ध्रुव ने अपने खून से सने हाथ को फैलाकर अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिरानी चाहीं। हालांकि जितना वो उसके और भी करीब जाना चाहता था, उसकी बाहों पर चोट से खिंचाव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वहां चारों तरफ धूल और चिंगारी के छींटे हर जगह उड़ गए और धूल ने उनको ढक दिया। वहां आए सभी गेस्ट को ये एक्सीडेंट अंदर तक हिला गया था। यहां तक कि झूमर के गिरने के झटके से मेज और कुर्सियां भी गिर गई थीं। जल्दी करो, भीड़ को हटाओ और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करो। ध्रुव के ऊपर गिरे हुए फ्रेम को उठाने के लिए नितेश ने हेड असिस्टेंट को ऑर्डर दिया। वहां से ध्रुव सर को निकालो। सर, सर, क्या आप जाग रहे हैं? एम्बुलेंस बुलाओ। उसने असिस्टेंट विनोद को अपना हाथ लहराकर इशारा किया, जो फोन कॉल करने के लिए तुरंत बाहर निकलने की ओर जा रहा था। नितेश, ध्रुव ने अपने हाथ को नितेश के ऊपर रखते हुए कमजोर रूप से कहा। नितेश हेल्प लाने से पहले घबरा कर रुक गया। ध्रुव सर, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि नितेश को उसकी बातों का इशारा पाने के लिए करीब करीब उस पर झुकना पड़ा। नैना को कोलकाता वापस भेज दो और रतनलाल को उसकी अच्छी देखभाल करने को कहो। वो बुदबुदाया, उसे मत बताना कि मैं इंजर्ड हूँ। क्या? लेकिन, नितेश कपूर हड़बड़ा कर बोला, जैसे उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस बात की ओर कैसे रिएक्ट करे। क्या तुमने मुझे सुना? बुरी तरह से घायल होने के बावजूद ध्रुव की आंखें अभी भी काफी डराने वाली लग रही थी। यहाँ तक कि उसका चेहरा जो कांच के टुकड़ों से सन गया था वो भी आंखों के साथ साथ डरावना हो गया था। यस सर, नितेश ने कहा। तभी ध्रुव एंड में नितेश की बाहों में झूल गया। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। नैना सेफ थी। ध्रुव के लिए अभी बस इतना ही मायने रखता था। हॉल के दूसरी तरफ असिस्टेंट विनोद पहले ही कंपनी के मेडिकल स्टाफ को बुला चुका था। जल्द ही कपल को कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। नैना को लगा जैसे वो एक लंबे मीठे सपने में चली गई हो। जब उसने आंखें खोली, वो उठी और उसने एक बर्फ जैसी सफेद छत देखी। उसे लगा जैसे वो मरने के बाद स्वर्ग में आ गई हो। उसके पास सब शांत था, लेकिन वो अपने कमरे के बाहर कॉरिडोर के धीमे कदमों की आहट सुन सकती थी।
छत की ओर देखते हुए उसका दिमाग खाली हो गया। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाई। उसे वहाँ एक चौड़ी खिड़की दिखाई दे रही थी। उस खिड़की से उसे मौसम बिल्कुल ठीक लग रहा था। तेज धूप और ठंडी हवाओं के साथ नीले आकाश को रोकने वाला एक भी बादल वहाँ नहीं था। शहर में कड़ाके की सर्दी आने के बावजूद कांच के पीछे सब कुछ क्लियर और गर्म जैसा लग रहा था। लेटे लेटे बगल में देखने से पहले उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वहाँ वो अपने बिस्तर के ठीक बगल में एक ग्लूकोज की बोतल लटकी हुई देख सकती थी। ट्यूब उसके बाएं हाथ के पीछे डाली गई थी। ये देखकर वो जम गई। उसने सोचा, उसे ये कब लगाया गया था? क्या वो बीमार हो गई थी? जैसे ही वो उसे करीब से देखने वाली थी, वार्ड का दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रतनलाल पहले ही रूम में एंटर कर चुका था। मैडम, आप आखिरकार जाग गई? उसने आश्चर्य से कहा। मैं डॉक्टरों को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद वो 5-6 डॉक्टरों के साथ लौटा। जैसे ही उन्होंने उसके बिस्तर को घेरा, वे सभी सफेद कोट से सजे हुए थे। नैना के पास कुछ पूछने का समय भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसके ब्लड प्रेशर से लेकर उसके ब्लड ग्लूकोज के लेवल के टेस्ट लेने की लाइन लगा दी थी। जब सब उसे नॉर्मल लगने लगा तो बूढ़े डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। क्या आपके सर में दर्द होता है? उसने पूछा। क्या आप नॉर्मल फील कर रही हैं? उसने अपना सर हिलाया। मुझे क्या हो गया है? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैडम, आपको याद नहीं है कि इससे पहले क्या हुआ था? रतनलाल की तरफ इशारा करने से पहले डॉक्टर ने अपनी भौहें उठाई। क्या इसे पहचानते हैं? हाँ, ध्रुव सर के असिस्टेंट रतनलाल। अच्छा, डॉक्टर ने रतनलाल की ओर रुख किया। थैंक गॉड, इन्हें ब्लड क्लॉट या मेमोरी लॉस का सामना नहीं करना पड़ा। एक्सीडेंट से शायद ट्रॉमा में थी और इसके कारण वो सिर्फ बेहोश हो गई थी। उन्हें बस एक अंदरूनी छोटी सी चोट हो सकती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। बस श्योर रहे कि ये बहुत पानी पिए। हाँ डॉक्टर, नैना ने पलक झपकाई। तुरंत एनिवर्सरी डिनर की इंसिडेंट उसके दिमाग में कौंध गई। झूमर ध्रुव उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसे याद नहीं था कि आगे क्या हुआ। वो कहाँ था? उसने ऊपर देखा। ध्रुव कहाँ है? जैसे ही रतनलाल ने उसका सवाल सुना, वो जम गया। वाइस प्रेसिडेंट नितेश को कुछ हो गया था, इसलिए ध्रुव सर कंपनी के मामले में मदद करने के लिए हावड़ा सिटी में ही कुछ दिन रहेंगे, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही नैना के सीने में एक टीस उठी। क्या नितेश ठीक है? वो घायल तो नहीं है? क्या ध्रुव को कुछ हुआ है? वो ठीक है, रतनलाल ने दूर देखा। नैना मैडम, क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? नैना ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो उठकर बैठ गई। पूरी तरह से अचंभे में बिस्तर पर वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। खून का एक पूल देखकर उसे याद आया, लेकिन वो तुरंत ही होश खो बैठी थी। उस रात के दौरान क्या हुआ था? रतनलाल दूर जाने से पहले उसे बिस्तर पर काफी देर तक तड़पता देखता रहा। इस एक्सीडेंट के बारे में वो नितेश को इन्फॉर्म करना चाहता था। रतनलाल ने नितेश को फोन करके सब बता दिया। गनीमत रही कि नैना को धमाके में कोई चोट नहीं आई। पता चला कि वो तो केवल एक दिन के लिए ही बेहोश हुई थी। हालांकि वो फिर भी ठीक नहीं लग रही थी। अगले दिन जब रतनलाल हॉस्पिटल आया तो नैना ने उसकी तरफ देखा। मैं डिस्चार्ज होना चाहती हूँ, उसने बिना किसी तर्क के अपना बेड छोड़ते हुए जिद से कहा। लेकिन रतनलाल अभी भी उसे लेकर टेंशन में था, इसलिए उसने डॉक्टर से डिस्चार्ज होने से पहले उसका फुल बॉडी टेस्ट करने के लिए कहा। ये कंफर्म करने के बाद कि वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, उसने उसे वापस अपार्टमेंट में भेज दिया। नैना लौटी तो अपार्टमेंट वैसा ही लग रहा था जैसा उस रात उसके जाने के समय था। कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ तक कि अंडे की भुर्जी जो उसने उस रात नहीं खाई थी अभी भी टेबल पर पड़ी हुई थी। इसका मतलब था कि ध्रुव घर अभी भी नहीं लौटा था। खुद को बिजी करने के लिए नैना ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपार्टमेंट को पहले की तरह साफ किया। जब वो सब फिनिश कर चुकी तो वो सोफे पर आराम करने बैठ गई। ध्रुव को कॉल करने के लिए उसने अपना फोन उठाया और खुद से बुदबुदाई, प्लीज ट्राई अगेन लेटर।
ये टोन सुनते ही वो परेशान हो उठी। हालांकि उसने कितनी बार कोशिश की थी, उसे बस एक ही टोन सुनाई दी थी। ध्रुव का फोन कभी बंद नहीं हुआ था, तो वो आज कैसे? जब भी वो उसे कॉल करती, वो उसे हमेशा कॉल बैक करता, लेकिन आज उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने न जाने कितने कॉल किए थे इस बीच ध्रुव को, लेकिन अब वो भी कॉल पर कॉल करके थक चुकी थी। उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसे हर बार फोन बंद आना सुनकर ऐसा क्यों लगा कि जैसे कुछ बुरा हुआ है ध्रुव के साथ। नैना को सोफे पर बैठे बैठे कब सुबह से दोपहर हो गई, उसे पता ही नहीं चला। रतनलाल ने नैना को दोपहर में कॉल किया। वो जानना चाहता था कि नैना कुछ स्पेशल खाना चाहती है तो वो लेकर आ जाए। क्या आपके लिए आपका फेवरेट फूड लेकर भेजूं नैना मैम, उसने कॉल पर पूछा। नैना उसके सजेशन से उदास लग रही थी। मैं खाना बना सकती हूँ, प्लीज आप कुछ नहीं भेजें। उसका सर हिलाने से पहले लगभग 10 सेकंड के लिए वो चुप था। ठीक है, जैसा आप कहें। दोपहर के समय रतनलाल ढेर सारी ग्रोसरी बैग के साथ नैना के अपार्टमेंट आया। नैना ने आलू, सलाद और अन्य सब्जियां उसमें से ले ली। एक थैले में उसने उसके लिए तरह तरह के फिश भी लिए थे। रतनलाल, उसने नजर उठाई, ध्रुव कब लौटेगा? वो इस सवाल को सुनकर जम गया। उसे भी नहीं पता था कि नैना के सवाल का वो आखिर जवाब क्या दे। कुछ दिन लग सकते हैं। अच्छा, नैना ने आंखें सिकोड़ी। रतनलाल ने अपना मुंह खोला। वो उसे ध्रुव की स्थिति के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उनके बॉस के ऑर्डर काफी क्लियर थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या टेंशन है तो मुझे सीधे कॉल करें, ठीक है? ठीक है, उसने सोफे पर आराम किया। जल्दी में होने की वजह से रतनलाल ने अपने दिल में आह भरी। कभी कभी छोटी गलतफहमियों के कारण बड़े बड़े झगड़े हो जाते, मगर वो नैना को कुछ भी साफ बताने की स्थिति में नहीं था। रतनलाल के जाने के बाद नैना सोफे पर बैठ गई। दोपहर से रात तक वो वहां से हिली भी नहीं। वो बस सोफे पर अपना सर टिकाए खाली दीवार को देखती रही, मानो ध्रुव की एब्सेंस में वो सदमे में आ गई हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी आंखें थक कर बंद हो गईं। मगर वो सोई अभी भी नहीं थी। उसे दरवाजे की बाहर से आने वाली हर आहट ध्रुव के आने का एहसास करा रही थी। रात के अंधेरे में वो अकेले घर में सोफे पर बैठी थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। वो बस ध्रुव के आने